हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीमा स्मार्ट किचन। आज हम बनाएंगे एक ऐसा नमकीन जो कम तेल में टेस्टी बनेगा और बनाने में ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। आप इसे बनाकर 2 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिए, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, न्यू अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल बटन पर प्रेस कीजिए, इससे आपको रेसिपी अपलोड का मैसेज सबसे पहले आ जाएगा। ये है नमकीन के इंग्रेडिएंट, ये सभी आपको घर में आसानी से मिल जाएंगे। इस नमकीन को बनाने के लिए एकदम पतला वाला पोहा लेना है। देखिए ये इस तरह का होता है। इसे कढ़ाई में डाल के हमें ड्राई रोस्ट ही करना है, इसमें बिल्कुल भी तेल नहीं डालना है। पतले पोहे को भूनने के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे 2 से 2.5 मिनट ही लगेंगे। इसे चलाते समय ध्यान रखना है एकदम हल्के हाथों से चलाएं। भुन जाने के बाद ये कुछ इस तरह के दिखेंगे। अब फ्लेम को बंद कर दीजिए और इसे हम निकाल लेंगे एक बड़े बर्तन में। सेम कढ़ाई ले लीजिए, इसमें डाल दीजिए पफ चना दाल। आप सोच रहे होंगे पफ चना दाल को भूनने की क्या ज़रूरत है, पर इसे नमकीन में डालने के पहले अगर आप थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं तो आपका नमकीन काफ़ी दिनों तक अच्छा रहता है और ये और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाता है। इसे भी पोहे वाले पॉट में ही निकाल लीजिए। एक कढ़ाई में 1/2 कप ऑयल को गर्म होने के लिए रख दीजिए। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए इसमें कॉर्न पोहा डाल के तल के निकाल लेना है। इसे निकालते समय इसको पोहे और पफ चना दाल के ऊपर ही डालना है, पेपर टॉवल पे डालने की ज़रूरत नहीं है। कॉर्न पोहा तलने के लिए मीडियम फ्लेम पे ओनली 1 मिनट लगता है। इसी कढ़ाई में मीडियम फ्लेम पे मूंगफली को तल लीजिए। मूंगफली को तलने में 2 से 3 मिनट लगेगी, इसका कलर चेंज हो जाएगा और ऊपर का छिलका थोड़ा सा खुल जाएगा, तो समझ लीजिए मूंगफली तल गई है। इसे भी पोहे वाले पॉट में ही निकाल लेना है। फ्लेम को लो कर दीजिए, काजू और बादाम डाल दीजिए। दोनों को भी तलने में हार्डली 30 से 40 सेकंड लगेंगे, इन्हें तल के निकाल लीजिए। आप चाहें तो इसमें किशमिश और मखाने तल के भी डाल सकते हैं। मैंने किशमिश और मखाने नहीं डाले हैं, पर आप डाल सकते हैं, उससे टेस्ट और बढ़ जाएगा। इसे भी सेम पॉट में ही तल के निकाल लेना है। ड्राई नारियल की इस तरह से स्लाइसेस कर लीजिए। इसे भी लो फ्लेम पे तल के सेम पॉट में ही निकालना है। नारियल को तलने में लगभग 1 से 1.5 मिनट लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं तलना है। जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाए इसे निकाल लेना है, नहीं तो इसका टेस्ट थोड़ा कड़वा हो जाता है। अब इसी तेल में तल लेना है करी पत्ता। गर्म तेल में डाल दीजिए करी पत्ता और ऊपर से थोड़ा सा ढक लीजिए, नहीं तो ये बहुत उड़ेगा और आप जल सकते हैं। जैसे ही इसमें तड़तड़ की आवाज़ बंद हो जाए इसे चलाइए और थोड़ी देर में ये थोड़ा सा क्रिस्पी दिखने लगेगा। इसे भी तल के पोहे वाले पॉट में ही निकाल लेना है। इससे तेल में इसका पूरा टेस्ट चला जाएगा और पोहे का जो नमकीन हम बना रहे हैं उसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। अब जितना तेल बचा हुआ है उसको गर्म होने देना है। गर्म हो जाने के बाद 10 से 12 लहसुन की जो कलियाँ हैं उन्हें ग्रेट कर लेना है। तुरंत तेल में डाल दीजिए, साथ ही डाल दीजिए हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। गरम मसाला मैं यहाँ पे एवरेस्ट का गरम मसाला यूज़ कर रही हूँ। आपको जो भी गरम मसाला पसंद है वो यूज़ कर सकते हैं। इन्हीं मसालों के साथ डाल दीजिए जीरा पाउडर, मिक्स कर लीजिए, फ्लेम बंद कर देना है। तुरंत ही इसे डाल देना है पोहे वाले पॉट में और फिर इसमें डाल दीजिए स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा आमचूर। आमचूर आप अवॉइड भी कर सकते हैं और कुछ लोग इसमें पिसी हुई चीनी डालना पसंद करते हैं, मैं यहाँ नहीं डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो 1 चम्मच पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हैं। अब इन्हें हल्के हाथों से मिक्स कर लीजिए। इस नमकीन का टेस्ट और बढ़ाने के लिए इसमें डाल दीजिए महीन वाली सेव। मिक्स करके ठंडा होने दीजिए। ठंडा हो जाने के बाद एयरटाइट कंटेनर में आप इसे भर के 2 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। वाओ, बहुत ही टेस्टी बना है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आप इसे ज़रूर बनाएं और अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। आप और कौन से नमकीन की रेसिपी देखना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।